Hi friends, welcome back to my channel. My name is Chandan. Okay, so now as in previous video, जैसा कि मैंने आपको इस introduction video में बताया था कि इस AGO series में हम लोग step by step learning करेंगे. तो जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाला video में introduction video में मैंने बताया था कि हम लोग इस series का start करेंगे virtual machine से. ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आप लोग को सिखाने जा रहा हूँ कैसे वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं एजर क्लाउड पे. ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि वर्चुअल मशीन क्या है. ठीक, तो वर्चुअल मशीन इज नथिंग, जस्ट यू इफ यू आर अवेयर अबाउट दैट लिनक्स सर्वर, विंडोज सर्वर, तो वर्चुअल मशीन यहाँ पे वही है. एक सर्वर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं क्लाउड में. जैसे आपका फिजिकल कंप्यूटर है, ठीक है, हार्डवेयर, स्टोरेज, सारा कंपोनेंट आपको फिजिकली आपको दिख रहा है, बट जो ये वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं वो एजियोर का डेटा सेंटर में क्रिएट हो रहा है और उसको हम लोग पुटी के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं और RDP के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं. फिजिकली ये भी कहीं पे फिजिकली है, बट वो फिजिकली हम लोग एक्सेस नहीं कर रहे हैं, इसको हम लोग पोर्टल के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं. बस इतना ही अंतर है. ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप लोग को वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करते हैं एजर क्लाउड पे ये सिखाऊंगा. ठीक है, ऐसे ही सिमिलर क्लाउड है, जैसे AWS है, आपका गूगल क्लाउड है, तो वहाँ पर भी बस नेम अलग है, बट द फंक्शन जो वर्चुअल मशीन का है वो सेम है. ऑप्शंस क्रिएट करने का अलग अलग हो सकता है. ठीक है, होता है थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करोगे तो उसमें NSC सिक्योरिटी ग्रुप अटैच होता है. ठीक है, या वैसे ही AWS पे भी अटैच होता है सिक्योरिटी ग्रुप, बट नाम वहाँ पे EC2 इंस्टेंस बोलते हैं वर्चुअल मशीन के जगह पर. तो ये थोड़ा थोड़ा अंतर है, बाकी जो क्लाउड का चीज़ें हैं बहुत सिमिलर है. आप एक क्लाउड अगर आप सीख गए हैं तो दूसरा क्लाउड जो भी प्लेटफॉर्म है वो आप बहुत इजीली लर्निंग कर सकते हो. ठीक है, तो हम लोग इसमें, तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे विंडोज मशीन भी क्रिएट होता है और लिनक्स मशीन भी क्रिएट होता है. ठीक है, तो हम लोग पहले विंडोज मशीन क्रिएट करेंगे फिर लिनक्स मशीन क्रिएट करना सीखेंगे. ठीक है, इसमें कैसे RDP करते हैं वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. हाँ, आप जब भी Azure क्लाउड पे कोई भी रिसोर्सेस क्रिएट करते हो, ठीक है, तो सबसे पहले आप रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करो. ठीक है, तो यहाँ पर मैं रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करने जा रहा हूँ. पहले ये रिसोर्स ग्रुप क्या होता है कि आप इसको बहुत बेसिक समझो. एक ये मेटा डेटा क्या होता है कि जैसे ये एक तरह का फोल्डर है, ऐसा समझ लो कि अगर कोई भी इससे रिलेटेड किसी भी, आपको इससे क्या होता है कि मैनेज करना इजी होता है. जैसे सपोज कर लो कोई एक्स फंक्शन और एक्स एप्लीकेशन के लिए आपने सारे कंपोनेंट इस रिसोर्स ग्रुप में टेस्टिंग पर्पज़ के लिए लॉन्च किया है और रन किया है, और आपका जैसे ही टेस्टिंग ख़त्म हो गया आप चाहते हो कि सारे रिसोर्सेज को डिलीट करना है या रिमूव करना है, तो आप जस्ट रिसोर्स ग्रुप को डिलीट कर दो, सारे रिसोर्सेज आपका जो भी सब्सक्रिप्शन है उस पर रिमूव हो जाएगा, अगर एक बार में सारा रिसोर्स आपको उड़ाना है तो. ठीक है, तो ये मैनेज करने में हमारे लिए ईजी क्रिएट कर देता है, ईजी है, इसलिए हम लोग सारे रिसोर्सेस Azure पे जब भी कोई रिसोर्सेस डिप्लॉय करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो रिसोर्स ग्रुप जो है वो मस्ट है. ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, डेमो नेम से एक रिसोर्स ग्रुप में क्रिएट करता हूँ. यहाँ पे रीजन, आप जिस रीजन में आप डिप्लॉय करने जा रहे हो उस रीजन में आप चूज कर लो उस रीजन को, बट ये रीजन पे डिपेंड नहीं करता है. आप रीजन रिसोर्स ग्रुप का रीजन कहीं पे भी रख सकते हो और इसके अंदर जो रिसोर्सेस आप डिप्लॉय करना चाहते हो वो आप
किसी अदर रिसोर्सेज अदर रीजन में भी कर सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारा रिसोर्स ग्रुप अगर साउथ ईस्ट एशिया लिया तो हमारा जो इसके अंडरलाइंग रिसोर्स होगा रिसोर्स ग्रुप के अंदर वो भी साउथ ईस्ट एशिया में हो, ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है टैग। टैग का यूज है ऑटोमेशन में, ये हम लोग आगे सीखेंगे कि कैसे टैग के थ्रू हम लोग बहुत सारा चीज़ें यूज करके ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है। टैग बहुत हेल्पफुल होता है ऑटोमेशन के लिए। नेक्स्ट चाहिए और इसको क्रिएट कर दीजिए। ये तो हो गया रिसोर्स ग्रुप का क्रिएशन, ठीक है। तो इसमें हम लोग सीखे कि रिसोर्स ग्रुप क्या होता है। बस एक फोल्डर और एक कंपोनेंट है, इसके अंदर सारे चीज़ें होते हैं, इससे रिलेटेड जो भी रिसोर्सेस आप डिप्लॉय करोगे इसी के अंदर रहेगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि बीएम कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आप बस वर्चुअल मशीन सर्च कर सकते हो, यहाँ पे यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हो, ठीक है, वर्चुअल मशीन। और एक चीज़ और है, आप यहाँ से भी जाके क्रिएट कर सकते हो। कहाँ से? आप जस्ट ऑल सर्विसेज में जाओ, ठीक है, कंप्यूट में जाओ, वर्चुअल मशीन सेलेक्ट करो, आप यहाँ पे आओगे, ठीक है। तो लेट्स क्रिएट, क्लिक ऑन ऐड, ठीक है, जस्ट चूज वर्चुअल मशीन, आपको वर्चुअल मशीन को चूज करना है, सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपका सबसे पहले सब्सक्रिप्शन पूछता है कि आप किस, अगर आपके पास मल्टीपल सब्सक्रिप्शन है तो जब भी आप कोई भी रिसोर्सेस अगर डिप्लॉय कर रहे हो तो आप पहले रिसोर्स ग्रुप को सब्सक्रिप्शन को चूज करो कि किस सब्सक्रिप्शन में करना है, ठीक है। इसके बाद है ये रिसोर्स ग्रुप पूछ रहा है कि आप किस रिसोर्स ग्रुप में अपना रिसोर्सेज डिप्लॉय करना चाहते हो और क्रिएट करना चाहते हो। तो मैं जैसा कि पहले मैंने क्रिएट किया था डेमो, तो मैं डेमो में मैंने डेमो को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि वर्चुअल मशीन का नेम आप क्या देना चाहते हो। तो आप जैसे आप यहाँ पर दे सकते हो बीएम डेमो, जो भी है आपका रिक्वायरमेंट के अनुसार आप दे सकते हो नेम। मैंने यहाँ पे वर्चुअल मशीन का नेम दिया है बीएम डेमो, ठीक है। इसके बाद ये रीजन पूछ रहा है कि कौन सा रीजन में आप वर्चुअल मशीन को लॉन्च करना चाहते हो। ये रीजन कुछ नहीं है, ये डेटा सेंटर है एज्योर इंफ्रास्ट्रक्चर का, ठीक है। ये कुछ नहीं है, जैसे हर कंट्री में कुछ ना कुछ डेटा सेंटर उन्होंने लॉन्च कर रखा है जहाँ पे जैसा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो उसके अनुसार जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिया के अंदर साउथ इंडिया में एक है जो हैदराबाद में होगा, ठीक है। वैसे ही आपका सेंट्रल इंडिया में है जो कि पुणे में है, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने एक कंट्री में दो और तीन डेटा सेंटर उन्होंने लॉन्च क्रिएट कर रखा है, उसको अकॉर्डिंग टू नेम भी दे रखा है उन्होंने, ठीक है। तो सपोज कर लो मैं अभी सेंट्रल इंडिया में कुछ रिसोर्सेस इस बीएम को लॉन्च करना चाहता हूँ, तो ये सेंट्रल इंडिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे है एक अवेलेबिलिटी ऑप्शंस, ये मैं आप लोग को बाद में एक्सप्लेन करूँगा, एक कॉन्सेप्ट है ये अपने आप में। सो मैं ये आप लोग को बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि एग्जैक्टली क्या होता है अवेलेबिलिटी ऑप्शंस। इसके अंदर जैसे अवेलेबिलिटी सेट क्रिएट करने का ऑप्शन दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ ग्रे दिख रहा है आप लोग को, तो ये सारे फीचर अभी धीरे धीरे वो लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। कुछ रीजन में इन्होंने लॉन्च कर दिया, कुछ रीजन में अभी नहीं किया है। तो ये अवेलेबिलिटी सेट और अवेलेबिलिटी जोन एंड वर्चुअल मशीन स्केल सेट, ये सब एडवांस चीज़ें हैं, तो हम लोग इसको बाद में अंडरस्टैंडिंग करेंगे, ठीक है, बाद में समझेंगे क्या होता है। इसके बाद है इमेज, जैसे आप फिजिकल मशीन को इंस्टॉल करने के लिए, जैसे आप सपोज कर लो आपका लैपटॉप है, आप अपने लैपटॉप पे जैसे आपका विंडोज़ क्रैप्ट हो गया,
तो विंडोज़ क्रैप्ट हो गया तो आपको इमेज डाउनलोड करना पड़ता है, उसको बूटेबल बनाना पड़ता है, फिर आपको बूटेबल बना के उसको बूट करना पड़ता है, तब आपका सिस्टम रेडी होता है, राइट, इंस्टॉल होता है, तब रेडी होता है। ये जो ISO इमेज है ये सारा बूटेबल है, लाइक दैट, ऐसा समझो आप, ठीक है। इस इमेज को लेना है ये, क्योंकि ये डायरेक्टली एक इमेज ही होता है, ऐसा बूटेबल जैसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि ये भी जाके बैकग्राउंड में आपका वर्चुअलाइजेशन पे ही VM लॉन्च होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बूटेबल जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने वो एक्सप्लेन किया, ठीक है। क्योंकि यहाँ मैं विंडोज़ इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, तो आपको विंडोज़ इमेज चूज करना होगा। तो मैं यहाँ पे विंडोज़ सर्वर 2016 डेटा सेंटर जनरेशन 1 मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है एज्योर स्पॉट इंस्टेंस, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये भी मैं बाद में आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा कि स्पॉट इंस्टेंस क्या होता है और कब यूज करना चाहिए इसको और इसका क्या बेनिफिट होता है एंड यूजर के लिए, ठीक है। तो ये भी मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा बाद में, ठीक है। अब चूज कर लेते हैं साइज, ये साइज क्या होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक कोर एंड एक वन वर्चुअल कोर एंड 3.5 GB मेमोरी, तो ये कोर और मेमोरी का कॉम्बिनेशन होता है, इसको यहाँ पे हम लोग साइज बोलते हैं। इसके अंडर जैसे स्टैंडर्ड है, यहाँ पे आप जस्ट क्लिक करो, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे सबका कैपेसिटी है। जैसे अलग अलग पर्पस के लिए, जैसे आप डेटाबेस के लिए जा रहे हो, ठीक है, डेटाबेस के लिए आप VM क्रिएट कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको मेमोरी का रिक्वायरमेंट हाई है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मेमोरी कंजप्शन हाई है, और उसी के अनुसार यहाँ पे सब चीज़ों के लिए उन्होंने साइज डिफाइन कर रखा है कि अगर आप इस वेब सर्वर के लिए कर रहे हो तो ये आपके लिए, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का एप्लीकेशन आप लॉन्च करने जा रहे हो भीम के अंदर, ठीक है। तो उसके अनुसार आप साइज को सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये होता है बेसिकली सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का काम, कि वो सारा रिक्वायरमेंट लेंगे, उसके अनुसार आपको VM साइज और ये सारी चीज़ें रिकमेंड करते हैं। बट आप टेस्टिंग पर्पस के लिए आप चेक कर सकते हो कि हाँ, हमारे एप्लीकेशन के लिए इन टेस्टिंग इन्वायरमेंट आप पे इस चीज़ को चेक करके अपने अनुसार भी कर सकते हो। इतना कुछ है नहीं है, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। बट अगर कुछ बड़ा एप्लीकेशन है तो यहाँ पे सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस और नॉलेज होता है, तो उस चीज़ का वैल्यू होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं साइज सेलेक्ट करता हूँ 8 GB एंड 8 GB रैम, ओके, B2MS, ठीक है। ये साइज अवेलेबल है या नहीं है, लोडिंग हो रहा है, अगर ये साइज अवेलेबल है तो आ जाएगा, ये साइज अवेलेबल है। यहाँ पे आपको कॉस्ट दिखा रहा है कि इतना रुपया पर मंथ, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे यूजर नेम देना है, आप यूजर नेम कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ लिनक्स, फोर्क एडमिन, ओके, मैंने यूजर नेम दे दिया। इसके बाद आपको पासवर्ड देना है, ठीक है, पासवर्ड आप पास कर दो, पासवर्ड आपका कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक कैपिटल लेटर, ये सारी चीज़ें कॉम्बाइंड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप दिखा रहे कि ये रिक्वायर्ड है, मैंने पासवर्ड पास कर दिया। इसके बाद बोल रहा है कि पब्लिक इनबाउंड पोर्ट्स, आपको पब्लिक इनबाउंड का कौन सा पोर्ट आपको अलाउ करना है, तो ये RDP का पोर्ट है, तो मैं इसको अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि HTTP है, HTTPS है, SSH है, अगर ये लिनक्स VM रहता तो यहाँ पे SSH के लिए अलाउ रहता, ठीक है, मैंने RDP का बाय डिफॉल्ट अलाउ कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लाइसेंस को एक्सेप्ट कर लो और कंफर्म कर दो, आप नेक्स्ट जाओ,
नेक्स्ट क्लिक करो, यहाँ पे ओएस डिस्क टाइप दे रहा है, यहाँ पे तीन तरीके का ओएस डिस्क टाइप दे रहा है, स्टैंडर्ड एचडीडी, स्टैंडर्ड एसएसडी और प्रीमियम एसएसडी। तो क्या अंतर है ये तीनों में, ठीक है? अगर आप प्रीमियम एसएसडी लेते हो तो इसका अवेलेबिलिटी जो है वो हाई है कंपेयर टू एसएसडी। आप जैसे एसएसडी सेलेक्ट करते हो तो आपको दिखा रहा है 99.9% ओके एसएलए है इसका। इसका ये क्या बोलते हैं, इसमें भी अवेलेबिलिटी 99.9% है, बट इसका क्या है कि स्पीड आईओप्स लो है कंपेयर टू स्टैंडर्ड एसएसडी, ठीक है? और प्रीमियम एसएसडी का जो आईओप्स है और थ्रूपुट है वो हाई है। तो अगर आप एप्लीकेशन ऐसा एप्लीकेशन जहाँ पे आईओप्स इंटेंसिव है जैसे डेटाबेस वगैरह के लिए, आप प्रीमियम एसएसडी यूज कर सकते हो, ये रिकमेंडेड रहता है, ठीक है? इसके बाद इंक्रिप्शन है जो कि डिफ़ॉल्ट वन हम लोग चेक सेलेक्ट कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट इंक्रिप्शन। इसके बाद है इनेबल अल्ट्रा, ये एक फीचर न्यू फीचर है, ठीक है? ये भी हम लोग बाद में देखेंगे। अब एक चीज़ और है, डेटा डिस्क यहाँ पे हम लोग यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं जब बीएम क्रिएट कर रहे होते हैं तो, और नहीं तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग बाद में भी ऐड करेंगे कि कैसे डेटा डिस्क ऐड करते हैं कोई बीएम में, हम लोग सीखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे कुछ एडवांस में भी चीज़ें दे रहा है, जैसे यूज्ड मैनेज डिस्क और ये दो ऑप्शन है, मैनेज्ड इसको बोलते हैं अनमैनेज्ड। एक चीज़ और है कि जैसे मैनेज डिस्क और अनमैनेज्ड और ये है इफेमरल, ये कुछ अलग कॉन्सेप्ट है इसका, तो हम लोग इसको भी बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अभी वीएम हम लोग क्रिएट करते हैं डिफ़ॉल्ट पे, ठीक है? ये भी एक अपने आप में कॉन्सेप्ट रखता है, ठीक है? अब आगे हम लोग नेटवर्किंग पार्ट में। अब नेटवर्किंग पार्ट में क्या है, यहाँ पे आपसे पूछेगा कि वर्चुअल नेटवर्क क्या लेना है। ये एक वर्चुअल नेटवर्क क्या है, यहाँ पे मेन नेटवर्क का कंपोनेंट है, ठीक है? ये पूरा का पूरा नेटवर्किंग का पार्ट है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बाद में ही एक्सप्लेन करूँगा, बाकी यहाँ पे हम लोग डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करके प्रोसीड करते हैं, ठीक है? ये वर्चुअल नेटवर्क है, सबनेट है, पब्लिक आईपी है, ये सारे नेम है। यहाँ पे हम लोग डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करते हैं जो भी है एनआईसी है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है? बाकी सारा डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करते हैं क्योंकि ये सारे अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है और एक टर्म है, इसको एक्सप्लेन और इसको अच्छा से समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग नेक्स्ट करते हैं, ये है मैनेजमेंट, ठीक है? सो यहाँ पे मैनेजमेंट का मैनेजमेंट में आपका मॉनिटरिंग से रिलेटेड है चीज़ें, जैसे यहाँ पे इनेबल विथ मैनेज स्टोरेज अकाउंट रिकमेंडेड, उसको इनेबल कर दो। गेस्ट इसको इनेबल कर दो, इनेबल वॉइस गेस्ट डायग्नोस्टिक, ये सारे चीज़ें अगर ये जो इनेबल हम कर रहे हैं इससे हमें बाद में हेल्प मिलता है ट्रबल शूटिंग के लिए, ठीक है? आप लोग को लॉग जनरेट करता है ये सारी चीज़ें, तो इससे आपको हेल्प मिलेगा ट्रबल शूट के लिए। तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट है जैसे आइडेंटिटी है, मैनेज आइडेंटिटी, ये कुछ डी एंड से रिलेटेड है कि वोल्ट, ये सारी चीज़ें ये हम अभी नहीं चेक कर रहे हैं। यहाँ पे ऑटो शट डाउन का है, बैकअप इनेबल करने का है, टिक करना है, साइट रिकवरी है, ठीक है? गेस्ट वॉइस है, ये सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। यहाँ पे आपको कस्टम डेटा है, आप अगर कुछ है स्क्रिप्ट है तो आप यहाँ पे पास कर सकते हो, ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं, बाकी ऑप्शन हम लोग नहीं चेक कर रहे हैं क्योंकि बाकी ऑप्शन आपको अभी समझ नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा जब मैं एक एक पार्ट को एक्सप्लेन करते जाऊंगा। फिर से टैग आया, यहाँ पे भी आप टैग दे सकते हो, ये टैग आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा जब ऑटो शट डाउन और ऑटो स्टार्ट
वगैरह ऑटोमेशन के लिए यूज करोगे तो आपको हेल्पफुल करता है। नाउ रिव्यू एंड क्रिएट, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए थोड़ा फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और जो भी कंपोनेंट छूट रहा है, जो भी टर्म छूट रहा है, वो धीरे धीरे मैं इस वीडियो में, इस सीरीज में ही एक्सप्लेन करते जाऊंगा धीरे धीरे। ओके, क्लिक ऑन क्रिएट एंड जैसे कि आप देख सकते हो कि डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया है, तो ये कुछ टाइम लेगा और ये डिप्लॉय हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को, एक एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। सो ओके गाइस, सो एज वी कैन सी आवर डिप्लॉयमेंट कंप्लीटेड। ओके, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया और हमारा बीएम क्रिएशन जो भी है वो सक्सेसफुल हो गया। आप क्लिक करो गो टू रिसोर्स, ठीक है, और आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज सर्वर 2016 डेटा सेंटर इज देयर। ठीक है, और इसका ये पब्लिक आईपी है। ठीक है, और अब ये सर्वर हमारा रनिंग है, इसमें बहुत सारा कंपोनेंट है। इस साइड अगर आप लेफ्ट साइड देखोगे तो ये सारी चीज़ें हैं इस वीएम से रिलेटेड खाली। ठीक है, ये सारे जो भी है, एक्टिविटी लॉग, एक्सेस कंट्रोल, टैग्स, डायग्नोज एंड रिजोल्व प्रॉब्लम्स, ये सारे वीएम से रिलेटेड हैं। तो ये सारे हम लोग वन बाय वन, मैं इस वीडियो सीरीज में मैं आप लोग को वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा कि क्या यूज है, कैसे इसका यूज करेंगे, क्या है। ठीक है, तो ये वीएम क्रिएट हो गया, रनिंग है, अब हमें इस वीएम को कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए जस्ट आप क्लिक करो कनेक्ट, और ये क्योंकि विंडोज़ है तो हम लोग यूज करेंगे RDP। ठीक है, आप ये डाउनलोड करो RDP फाइल। ठीक है, और जस्ट क्लिक करो, ये ओपन होगा, आप कनेक्ट करो। ठीक, यूजर नेम दो, पासवर्ड पास करो। ठीक है, और जस्ट क्लिक करो ओके, एक्सेप्ट करो इसको, यस। अब जैसा कि आप हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग कनेक्टेड है। अब कौन सा विंडोज सर्वर 2016 डेटा सेंटर से, ये आपका वीएम है जो कि एजियोर पे रन हो रहा है। ठीक है, और हम लोग इसको कनेक्ट किए हैं RDP के थ्रू। तो बस इस वीडियो में यही, ये सर्वर मैनेजर है, ये सारी चीज़ें बाद में हम लोग सीखेंगे क्या है नहीं है, बट हमारा इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि कैसे विंडोज़ वीएम क्रिएट करते हैं Azure Cloud पे। ओके, तो डेट्स ऑल गाइस इन दिस वीडियो, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो सेंड मी द फीडबैक इन चैट। अगर आपको कुछ भी डाउट है या कुछ भी आप चाहते हो कि मैं एक्सप्लेन करूँ, तो जस्ट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं रियली मैं आप लोग के लिए वीडियो क्रिएट करूँगा।